भाई मैं यहाँ पे आयरन माइनिंग कर रहा था और ये देखो मुझे क्या मिला है। भाई लिटरली मुझे एंशिएंट सिटी मिल गई है जो कि वार्डन की सिटी पर थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज एपिसोड नंबर 3। तो ये होने वाला है ये एपिसोड नंबर 3। जैसे कि आप देख सकते हो मैं जो ज्यादा प्रो हो चुका हूँ, मतलब थोड़ा सा तो हो चुका हूँ। तो हाँ, तो इस वीडियो में हमें जो है हमारा पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है, वो भी डायरेक्ट माइनिंग के लिए। तो हमें 43 वाले पिकेट चाहिए। तो सबसे पहले नीचे उतरता हूँ, तो नीचे उतर नहीं पा रहा हूँ, अब वो बोलो हमें पा ले दिया। तो आज की वीडियो में हम प्रिपरेशन करने वाले फॉर डायमंड माइनिंग। तो उसके लिए जो है हमें चाहिए होगी 43 की पिकेक्स। तो हमारा विलेजर जो है हमारा, वो हमें 41 की दे रहा है। तो हमें 4 41 की दो उसको मर्ज करना होगा, इससे हम 43 बना लेगी। तो हाँ, तो अभी जो है हमें बेड बनाने हैं, बिकॉज हमें विलेजर को ब्रीड करवानी है। तो ये एक ऑलरेडी बेड पड़ा है और हमें जो है और बनाने, तो ये सब फालतू की चीज़ें रख देते हैं। जैसे कि आप ये वो देख रहे हो कि ये मुझे स्केलेटन को मारने से मिली है, तो कोई ऐसा समझना कि क्रिएटिव में से उठाया हुआ है। तो कि ये फालतू का घोड़ा जो है उसको फेंक देते हैं। और ये भी आई थिंक ये भी जाना चाहिए, ये भी और ये पिकेक्स को रख लेते हैं। बाकी जो है सब घोड़ा जो है अभी डलते थे चेस्ट में, ताकि हम जो है पूरा थोड़ा उनको थोड़ा सा आई थिंक ले लेना चाहिए। और तो इसको रखते हैं और चलो ये बढ़िया सेट कर लेते हैं। तो चलो कर लिया है। अभी जो है हमें चाहिए बोर्ड, वोल चाहिए होगा। तो वोल आई थिंक मेरा इस वाली चेस्ट में ओके ये रहा 41 है। और अभी जो है हमें चाहिए होगा वुड, तो बढ़िया 8 वुड मिल गया है इस वाली चेस्ट में। तो 3 ये चलेगा, कोई ना ले लेते हैं। इसमें होगा हाँ वो पाई, इसमें ज़्यादा ही है। चलो ले लिया है, बढ़िया बात है। तो चलो बनाते हैं अभी। ओके तो गाइस 13 बन रहे हैं, 13 से बढ़िया है, बना लेते हैं। ये बन गए 13 बेड वाले और ये 2 और ये 3 बन गए। चलो 13 आई थिंक हम ये 2 वुल है। तो एक और चेस्ट में पड़ा था, अभी मैंने रखा, कहाँ गया इसमें नहीं, तो ये पड़ा। तो ये एक और बना लेते ताकि जो 14 विलेजर बन जाए हमारे, और बढ़िया वाली बात है। और चलो चलते हैं विलेज पर। तो गाइस मैं जो है विलेज पर आ चुका हूँ, और चलो इसको तोड़ देता हूँ और चलो अंदर घुस जाते हैं। आई थिंक विलेजर बाहर ना निकले तो सही, इसको पहले ले लेते हैं ताकि जो है सीधा ही कर दे। और ओके भाई, जिस बात का डर था वही हुआ भाई, ये विलेजर भाई बाहर निकल गए, उसको अंदर डालते हैं। चल भाई चला जा। ओके तो भाई इसको लिया है और फार्मर भाई बाहर निकल गया। आई थिंक एक ही था ना, हाँ वही भाई फार्मर था, उसको बाहर निकल गए। चलो भाई फार्मर को वापस लाना होगा, ये मेरे ख्याल से ये भी इसको तोड़ ही देते हैं। चलो फिर फार्मर को जो है रख देते हैं अंदर, बाद में जो है फार्मर की ना जॉब जो लेनी है हमें, तो उसके लिए मैं जो वर्क स्टेशन है फार्मर का वही तोड़ दिया है, तो वही तोड़ देते। रोके मैंने तोड़ दिया है, अभी इसको जाके अंदर प्लेस कर ले गए ताकि जो है फार्मर अंदर जाए और अंदर जाके वो अपना जो कुछ काम वगैरह है वो करे, वो यहाँ पे डाल देते हैं। ओपन कर दिया और ये डाल देते। ओके अभी जो है पूरा का पूरा हो गया, ये वापस आ गए। चलो भाई ये दूसरी जो भाई थिंग लेने जा रहा था, फिर कुछ पड़ा होगा वर्क स्टेशन और ये सब जो है ले ले, ताकि ये वापस से काम ना कर सके और जाके ये वहाँ पे काम करे। और चलो चलते हैं। तो चलो भाई चलो भाई, गलती से हिट हो गया है, और इसको अंदर ले जाना है भाई, चल ले जाए अंदर भाई। ये ऐसे नहीं जाने वाले, इनको नहीं जाने के लिए बोर्ड ही बनाना पड़ेगा। तो चलो बोर्ड बनाते और ये सवाल बनाई सोल और ये बना रहे थे बोर्ड, और इसको रख दे तो यहाँ पे ताकि जो अंदर चला जाए एक। तो यस ये रख दिया है भाई, चलो बढ़िया बात है। तो ये नहीं इसको भी ले जाना है, लेकिन रुको भाई उसको दो।
फिर तो मैंने सब काम कंप्लीट कर लिया। अभी जो है ब्रेड बना लेते ताकि जो है विलेजर खासे के और विलेजर दे देते ताकि वो ब्रीड कर सकूँ। तो चलो चलते हैं नीचे। ओके तो गाइज मैंने जो है विलेजर की ब्रीडिंग स्टार्ट करा दी। तो अभी हमें जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए बिकॉज वो ब्रीडिंग कर रही है। यहाँ पे जो स्टोन लगा दें डबल स्टोन और यहाँ से निकलते हैं। और ये रहा ये विलेजर साले तो किसको तो मारूंगा भाई, इसको नहीं छोड़ना। वैसे भी बेकार ट्रेडी दे रहा है, इसको वैसे भी नहीं छोड़ना। ये रही अपनी देख भाई, मैं बेस्ट एक्सपी में भी प्लेयर हूँ ऑफ माइंड क्राफ्ट एमसीपी। तो हमारे का साल है तू अभी ये ले भाई, ये ले साले मर गया साले, दिखियो मत दूसरी बार। तो चलो भाई हमने उसको मार दिया है। अभी जो है हमें तो काम करना है, तो चलो आयरन बेरिंग कलेक्ट करना है। वो हमें जो आयरन बेरिंग कलेक्ट करना है तो उसके लिए जो है चाहिए होगा। बट एक यहाँ पे देखो आपको गाइस प्रॉब्लम समझाता हूँ। यहाँ पे जो एक विलेजर है जो कि आई थिंक मैंने रेड करवाई थी, उससे मुझे एक टोटम भी मिला था। जो विलेजर है वो यहाँ पे फंस गया है। तो अभी मैं क्या करूँ जिससे कि वो विलेजर मर जाए, वो मर नहीं रहा है गाइस, तो उसको मारना है। तो आप कमेंट में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना प्लीज मुझे। चलो हमें जो है बनाना है लास्ट पन्नस बनाने है। तो उसके लिए आयरन बैरन मैंने पहले से स्मेल्ट करके रखा हुआ है, चेस्ट पर बना पड़ा होगा आई थिंक, नहीं यहाँ पे नहीं चेस्ट में ही होगा। और फर्नेस बना लेते हैं और जो है हम लास्ट फर्नेस बना लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए मुझे देखना एक सेकंड। तो यहाँ पे देखते ब्लास्ट फर्नेस के लिए क्या चाहिए, दिख नहीं रहा अभी नहीं बना पाएंगे। तो चलो लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। ये रहा ब्लास्ट फर्नेस, तो उसके लिए चाहिए स्मूथ स्टोन। चलो स्मूथ स्टोन बनाते हैं। और आई थिंक मैं 5 बनाने वाला हूँ, तो आप लोग इंजॉय करो इसको 5 मिनट्स में।
स्टोरी भी मेरे पास तो ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता हूँ, सपोर्ट दिखा दे नहीं हो तुम लोग यार।